जज फरूख इरफान खान को पैनामा इल्जामात पर हटाने का केस दरख्वास्त के काबिल समात होने पर कार्रवाई 29 मई तक मुलतवी की गई है। अदालती कार्रवाई के बारे में जानते हैं मियाँ दाऊद से। मियाँ दाऊद बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में जस्टिस फरूख इरफान खान को पनामा इल्जाम की बुनियाद के ऊपर हटाने की दरख्वास्त के ऊपर बतौर एतराज केस समाप्त हुई और अदालत ने इस दरख्वास्त के काबिल समाप्त होने पर मजीद कार्रवाई जो है 29 मई तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस सईद मंसूर अली शाह के रूबरू सजन आबाद शहरी हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर कर रखी थी। उनके वकील ने यह मौका इख्तियार किया कि जस्टिस फरूख इरफान खान का नाम जो है वो पनामा स्कैंडल में आया है लेकिन इसके बावजूद उनको ओहदे से नहीं हटाया गया, लिहाजा इल्जामात की तहकीक तक जस्टिस फरूख इरफान खान को काम करने से रोका जाए। चीफ जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने इस दरख्वास्त पर बतौर एतराज केस समाप्त करते हुए रिमार्क किए कि जस्टिस फरूख इरफान खान का मामला जो है वो पहले ही सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में है और वो किसी साथी जज को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त जो है उसको काबिल समाप्त करार नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क किए कि बतौर चीफ जस्टिस इंतजामी इख्तियार उनके जरूर ज्यादा है लेकिन तमाम जज जो है वो एक बराबर है। मियां दाऊद, आपका बहुत शुक्रिया।